ओम शांति। 8/7/2020 की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? उत्तर, सिर पर जो विकर्मों का बोझ है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देख कर देना है। वरदान, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सरकमस्टेंस, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, जहां सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। ओम शांति।